हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरनर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। लेट्स बिगिन अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2022। फर्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज कंडीशन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई एंड इन्फ्लामेशन इज कॉल्ड। आपको उस कंडीशन का नाम बताना है जिसमें हमारे लंग्स के अंदर मौजूद एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये हमारे लंग्स हैं और इन लंग्स के अंदर छोटी छोटी बॉल्स पाई जाती हैं जिन्हें आप एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। अगर इस एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाए, पस भर जाए, इसमें इन्फ्लामेशन आ जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? SARS, एमाइलॉइडोसिस, ARDS, निमोनिया। यस, आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। निमोनिया डिजीज को हम वेट लंग्स के नाम से भी जानते हैं और इस कंडीशन में एक या दोनों लंग्स प्रभावित हो सकते हैं और एल्विलाइज के अंदर फ्लूइड या पस का कलेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे कि प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पाता। निमोनिया पेशेंट्स की केयर के लिए आपको उसे रेस्ट प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है। इसके अलावा इस डिजीज कंडीशन से इन्फेंट, चिल्ड्रन और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर जनरल पैरेसिस एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिफिलिस। विच थेरेपी शुड द नर्स एंटिसिपेट विल मोस्ट लाइकली बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस क्लाइंट। सिफिलिस पेशेंट में जनरल पैरेसिस एज अ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी है। इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर द्वारा कौन सी चीज प्रिस्क्राइब की जाएगी, ऐसा एज अ नर्स आप एंटिसिपेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं पेनिसिलिन थेरेपी, मेजर ट्रैंक्यूलाइजर्स, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इस क्वेश्चन को डील करने से पहले कुछ वर्ड्स आपको हो सकता है परेशान कर रहे हों, तो यहाँ पर जो पैरेसिस शब्द इस्तेमाल किया गया है इसको आप सिंपल पैरालिसिस के रूप में याद रख सकते हैं या इसे आप माइल्ड पैरालिसिस कह सकते हैं या फिर इसे आप पार्शियल पैरालिसिस कह सकते हैं। यानी कि किसी क्लाइंट को सिफिलिस डिजीज था। सिफिलिस डिजीज जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये ट्रिपोनिमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। इस सिफिलिस डिजीज में पेशेंट में जनरली सोर्स डेवलप हो जाते हैं जेनाइटल एरिया में और अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो तो इससे पेशेंट का नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। यही कंडीशन इसमें हुई, सिफिलिस से पर्सन का नर्वस सिस्टम प्रभावित हुआ और उसमें पैरालिसिस, हल्का पैरालिसिस हो गया। इस सिचुएशन के ट्रीटमेंट में कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे आप, ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही आंसर पर जा रहे हैं। जब भी कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक थेरेपी का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर पेनिसिलिन थेरेपी का इस्तेमाल करके हम इस बैक्टीरियल डिजीज, सिफिलिस डिजीज का ट्रीटमेंट करेंगे और इसके ट्रीटमेंट के साथ ही बाकी सभी सिम्टम्स भी रिलीव हो जाएंगे। वन बाय वन यदि रिमेनिंग ऑप्शंस की बात की जाए तो अगर क्लाइंट को आप मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं तो ये मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स बिहेवियर मॉडिफिकेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि जनरल पैरालिसिस कंडीशन को। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी के द्वारा आप बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है, पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में नहीं। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। प्रेगनेंसी में वेलकम साइन किस
किसे कहा जाता है? एंगेजमेंट को, लाइटनिंग को, इंटरनल रोटेशन को, डिसेंट को? यस एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। डिलीवरी से 2 से 4 सप्ताह पहले बच्चा नीचे की तरफ डिसेंट होता है, इससे मदर में रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफिकल्टीज कुछ ठीक हो जाती हैं। इसे ही हम लाइटनिंग कहते हैं और यही वेलकम साइन कहलाता है। एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हैं करीब 36 वीक पर यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेलिथियासिस कंडीशन होने पर पेशेंट को आप किस तरह की डाइट देंगे? ऑप्शन वन प्रोटीन कम देंगे, ऑप्शन टू फैट कम देंगे, ऑप्शन थ्री कैलोरी बढ़ा देंगे, ऑप्शन फोर कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देंगे। सबसे पहली बात, कोलेलिथियासिस होता क्या है? अगर आप किसी पेशेंट के गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन जाएं तो ये कंडीशन कोलेलिथियासिस कहलाती है। COLE, कोले शब्द का मतलब है गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, और लिथियासिस मीन्स स्टोन। गॉल ब्लैडर में स्टोन का होना कोलेलिथियासिस है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको इसके फंक्शन के बारे में जानकारी हो। हमारे लीवर के द्वारा बाइल का निर्माण किया जाता है, और ये बाइल गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर रहता है, और शरीर को जब आवश्यकता होती है तब ये गॉल ब्लैडर यहाँ से बाइल को रिलीज करता है, जो कि फूड के साथ मिक्स होकर फैट का डाइजेशन करवाता है। तो याद रखिएगा, अगर हम फैट खाएंगे, फैट से रिलेटेड कोई सब्सटेंस खाएंगे, तभी स्टिम्यूलस गॉल ब्लैडर तक जाएगा और गॉल ब्लैडर को बाइल रिलीज करना पड़ेगा। अब हमारा गॉल ब्लैडर बीमार है, सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, परेशान है, तो हम इसे रेस्ट करने के लिए कहेंगे। रेस्ट कैसे कहेंगे? कि अगर कोलेलिथियासिस कंडीशन है तो आप फैट खाइए ही मत। अगर आप फैट वाली चीजें नहीं खाएंगे तो गॉल ब्लैडर को काम नहीं करना पड़ेगा, उसे स्टिमुलस नहीं मिलेगा, उसे रेस्ट मिलेगा। अब आप इसका आंसर कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, आप यहां पर ऑप्शन टू को सही मानेंगे। हम गॉल ब्लैडर को रेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि उसमें स्टोन बन गए हैं, वो बीमार है, फैट की चीजें नहीं खाएंगे तो उसे काम नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा, लो फैट डाइट लेने से जो गॉल ब्लैडर है उसे स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा और गॉल ब्लैडर को रिलीफ रहेगा। फैट वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं? होल मिल्क हो सकता है, क्रीम बटर, चीज, आइसक्रीम, ये सभी फैटी सब्सटेंसेस हैं। इसके अलावा अब आप कौन सी डाइट इस पेशेंट को लेने के लिए कहेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी सभी चीजें जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच हों, कैलोरी रिच हों, प्रोटीन रिच हों, उन्हें आप लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन हु हैज नेवर कंप्लीटेड अ प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ वायबिलिटी इज टर्म्ड एज। अगर किसी वुमेन ने अपनी प्रेगनेंसी को स्टेज ऑफ वायबिलिटी तक कभी नहीं कंप्लीट किया हो तो ऐसी वुमेन क्या कहलाएगी? स्टेज ऑफ वायबिलिटी का मतलब है कि 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी कि स्टेज ऑफ वायबिलिटी का सिंपल मीनिंग है कि बच्चा इस समय पूरी तरह से जीवित माना जाता है, और अगर इसे यूट्रस से इस एज के बाद बाहर निकाल दिया जाए तो कुछ सपोर्ट के बाद सर्वाइवल पॉसिबल है। तो अगर किसी वुमेन ने 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी को अपने जीवन काल में एक बार भी टच नहीं किया हो तो ये क्या कहलाएगी? नल्ली पैरा, नल्ली ग्रेविडा, मल्टी पैरा, परप्यूरा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड नल्ली पैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द क्लाइंट विथ अ लो पोटेशियम लेवल
अबाउट द फूड्स दैट आर हाई इन पोटेशियम एंड टेल्स द क्लाइंट टू कंज्यूम विच फूड ऑल एक्सेप्ट। किसी क्लाइंट में पोटेशियम की कमी है, आप इन चारों में से उसे कौन सा फूड नहीं खाने के लिए कहेंगे जो कि पोटेशियम्स रिच नहीं माना जाता। क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, एक्सेप्ट वर्ड को इग्नोर ना करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट वर्ड, इसके आते ही पूरा क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है। यहाँ पर आपको पोटेशियम रिच फूड नहीं हो वो सेलेक्ट करना है। पोटेशियम की यदि नॉर्मल मात्रा आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 3.5 से 5.2 MEQ पर एल, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन वन, पीस। पीस और कॉलीफ्लावर यानी मटर और गोभी, इन दोनों के अंदर मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है ना कि पोटेशियम। इसके अलावा पोटेशियम रिच फूड्स में बनाना हो सकता है, एवोकाडो हो सकता है, कैरेट हो सकता है, कॉन्टेलॉक हो सकता है, पोटैटोज हो सकते हैं, रेजिन हो सकता है, फिश हो सकता है, मशरूम हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, स्पिनिच हो सकता है, स्ट्रॉबेरीज हो सकते हैं, टोमेटोज हो सकते हैं। ये सभी पोटेशियम रिच सब्सटेंसेस हैं। हर चीज को मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, टाइम काफ़ी लिमिटेड है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने हैं। दीज वीडियोज आर जस्ट फॉर योर रिविजन पर्पज, जस्ट सुनिए और इसे याद रखने की कोशिश करिए, छठे दिन आपको एग्जाम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विथ हिर्सप्रंग्स डिजीज डॉक्यूमेंट द स्टूल टू हैव व्हाट कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस। टैरी एंड टिनेशियस, करंट जेली लाइक, फ्रॉटी एंड फाउल स्मेलिंग, रिबन लाइक। एक बच्चा जिसे हिर्सप्रंग डिजीज है उसमें कौन सी स्टूल की कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी। हिर्सप्रंग डिजीज को आप कंजनाइटल मेगाकोलन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज कंडीशन में बच्चे की लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नर्व सेल्स नहीं पाई जाती जिसके कारण बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाता, बच्चे में स्टूल की मूवमेंट नहीं हो पाती। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। हिर्सप्रंग डिजीज होने पर रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, रिबन लाइक स्टूल रिलेटेड टू द हिर्सप्रंग कंडीशन। इसके अलावा यदि ऑप्शन वन की बात करें तो टेरी एंड टिनेशियस स्टूल, ये आपको जीआई ट्रैक्ट में यदि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो स्पेशली अपर जीआई ट्रैक्ट में तो देखने को मिलेगा। अगर टेरी ब्लैक कलर का स्टूल है तो अपर जीआई ब्लीडिंग को बताता है। करंट जेली लाइक स्टूल, स्टूल में ब्लड और म्यूकस की प्रेजेंस के कारण होता है और इसे आप इंटुसेप्शन कंडीशन में देखते हैं। फ्रोटी एंड फाउल स्मेलिंग, फ्रोटी का मतलब है झागदार और फाउल स्मेलिंग मतलब बदबूदार। इस तरह का स्टूल यदि है तो ये आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन होने को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी पर्सन में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए, 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए तो अर्ली साइन के रूप में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। ऑप्शन वन स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन टू डायरिया, ऑप्शन थ्री मसल वीकनेस इन लेग्स, ऑप्शन फोर टिंगलिंग इन द फिंगर्स। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन थ्री करेक्ट। अगर किसी पर्सन की बॉडी में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से कम होता है तो इस सिचुएशन में पेशेंट के मसल्स में वीकनेस फील होने लग जाती है।
पेशेंट को थकान लगने लगती है, इसके अलावा मसल्स में पेन भी शुरू हो जाता है। मसल एक, मसल वीकनेस एंड फैटिक, दीज आर द इनिशियल एंड अर्ली इंडिकेटर्स ऑफ हाइपोकैलीमिया। पोटेशियम हमारे हार्ट के रिदम को मेंटेन करने के लिए भी आवश्यक है। इसका लेवल बढ़े या घटे, हार्ट पर इफेक्ट आना मस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि लो पोटेशियम लेवल होने पर फर्दर साइनस सिम्टम्स के रूप में डिसरिदमियास, पैरालिसिस, पैरालिटिक इलियस, ये सभी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन केयरिंग फॉर अ 4 इयर्स चाइल्ड हुज लेफ्ट लेग इन ट्रैक्शन, द नर्स नोटिसेस दैट ट्रैक्शन वेट आर रेस्टिंग ऑन द फ्लोर एट द फुट ऑफ द बेड, व्हाट इज द बेस्ट एक्शन दैट द नर्स शुड टेक इन दिस सिचुएशन। 4 साल का एक बच्चा जिसका बायां पैर फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के लिए इसमें ट्रैक्शन लगाया गया है। अब इस बच्चे का ट्रैक्शन वेट जो है, ट्रैक्शन वेट जो है फर्श पर है और बच्चा बेड पर कुछ नीचे खिसका हुआ है। इस बच्चे को इस पोजीशन में देखकर एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप बच्चे के पैर को ऊपर कर देंगे। ऑप्शन बी, बच्चे के बेड के हेड साइड को नीचे कर देंगे। ऑप्शन थ्री, जो ट्रैक्शन है उसकी रस्सी को काट देंगे और छोटा कर देंगे। ऑप्शन डी, बच्चे को बेड पर ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। देखिए, ये बेड है और ये बच्चा है। इस बच्चे के बाएं पैर के अंदर ट्रैक्शन लगा हुआ था। अब ये बच्चा नीचे की तरफ बेड में खिसका, जिसके कारण ये जो ट्रैक्शन वेट हवा में था, ये नीचे फ्लोर पर आ गया। इस सिचुएशन में इस वेट को वापस हवा में शिफ्ट करने के लिए हम इस बच्चे को बेड में ऊपर की तरफ सुलाएंगे, खिसका देंगे, ताकि ये वेट जो है फ्लोर से वापस ऊपर हवा में आ जाए। तो यही सही ऑप्शन माना जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। हम बच्चे की पोजीशन को चेंज करेंगे, बच्चे को बेड में जो नीचे की साइड शिफ्ट हो गया था उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, ताकि ये जो वेट है एडजस्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एबीजी, अगर किसी पेशेंट की एबीजी रिपोर्ट में पीएच 7.25, PaCO2 37 mm of Hg, PaO2 92, HCO3 18 हो, तो ये किस कंडीशन को बताती है? एबीजी के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको नॉर्मल वैल्यूज के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। अगर आपसे नॉर्मल पीएच पूछा जाए तो आप बताएंगे 7.352 7.45। नॉर्मल PaO2 आपसे यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे 80 to 100 mm ऑफ HG, PaCO2 35 to 45 mm ऑफ HG, बाइकार्बोनेट 22 से 26 mEq पर एल और ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 to 100%। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। यहाँ पर जो पीएच की वैल्यू है वो 7.25 दी गई है, जो कि नॉर्मल से कम है। पीएच यदि नॉर्मल से कम होता है तो हम इस कंडीशन को एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। पीएच यदि नॉर्मल से कम है तो एसिडोसिस कंडीशन है। ये चीज तो बिल्कुल कंफर्म हो गई। तो यहाँ से आप ऑप्शन बी, जिसमें एल्केलोसिस लिखा है, हटा दीजिए, और ऑप्शन डी, जिसमें एल्केलोसिस लिखा है, इसे भी हटा दीजिए। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई हैं उनमें या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ये दो ऑप्शन ही हमें ध्यान देने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यू PaCO2। PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 के बीच होनी चाहिए।
जो कि यहां पर 37 दी गई है, मतलब कि ये वैल्यू तो नॉर्मल है। अब नेक्स्ट आता है PaO2, PaO2 92 दी गई है, और 80 to 100 अगर है तो नॉर्मल मानते हैं, यानी कि ये वैल्यू भी नॉर्मल है। इसके बाद जो वैल्यू दी गई है वो है HCO3, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट के नाम सॉरी बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और ये वैल्यू दी गई है 18, और होनी कितनी चाहिए, ये होनी चाहिए 22 से 26 के बीच में, यानी कि ये वैल्यू नॉर्मल से कम है। पेशेंट में बाइकार्बोनेट की वैल्यू नॉर्मल से कम है और पीएच भी कम है। आपने एक वर्ड सुना होगा जो कि इस तरह की कंडीशंस को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड है रोम। रेस्पिरेशन रिलेटेड कभी भी कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है तो वहां पर दो वैल्यूज ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि पीएच यदि कम हो रही है तो PaCO2 बढ़ेगा, पीएच यदि कम हो रही हो और PaCO2 बढ़ रहा हो तो ये कंडीशन रेस्पिरेटरी कंडीशन मानी जाती है। जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉर्मल है, तो हम रेस्पिरेशन कंडीशन को यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यही सही है। ROME के अंदर जो एम ही वर्ड है, इसके अंदर मेटाबॉलिक कंडीशन होने पर दो वैल्यूज इक्वल डायरेक्शन में मूव करती हैं, यानी कि अगर पीएच कम हो रही है तो बाइकार्बोनेट भी कम होगा, अगर पीएच कम हो रही है तो बाइकार्बोनेट भी कम होगा, और अगर पीएच बढ़ रही है तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा, तो ये कंडीशन मेटाबॉलिक कंडीशन को बताती है। तो यहां पर गौर कीजिए, पीएच है 7.25 यानी नॉर्मल से कम, और बाइकार्बोनेट लेवल भी नॉर्मल से कम है, तो हम कह सकते हैं कि इस क्लाइंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है, ऑप्शन ए करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट 3 आवर्स आफ्टर एन इंजरी विथ सेकेंड डिग्री बर्न टू द फेस, नेक एंड हेड। द नर्स वुड बी मोस्ट कंसर्न विद द क्लाइंट डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी पेशेंट को चेहरे, गर्दन और सर पर बर्न हुआ, इस बर्न इंजरी के 3 घंटे बाद उसे एडमिट करवाया गया, इस पेशेंट में कौन सी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, इसके लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। हाइपोवोलीमिया, लेरिंजियल एडिमा, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी कोई व्यक्ति बर्न से सफरिंग होता है तो जिस जगह पर आग लगी है उस जगह पर गर्म धुआं भी होता है, तो हो सकता है पेशेंट में ये गर्म धुआं सांस के थ्रू अंदर चला गया हो, लैरिंग्स के टच में आया हो, लंग्स में गया हो, तो पेशेंट के अंदर गर्म धुएं के कारण लैरिंजियल एरिया में एडिमा हो सकती है, और इस लैरिंजियल एडिमा के कारण पर्सन का जो रेस्पिरेशन रूट है वो ब्लॉक हो सकता है। पेशेंट में बर्न इंजरी के दौरान बर्न हॉट एयर इनहेलेशन के कारण एयरवे में इन्फ्लामेशन हो सकती है, जिससे रेस्पिरेशन रूट ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, इसके लिए हमें सबसे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। लैरिंजियल एडिमा के बाद यदि सेकंड कोई चीज है जिसके लिए हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है तो वो है हाइपोवॉलीमिया। बर्न पेशेंट के अंदर कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हाइपोवॉलीमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बर्न पेशेंट में हाइपर नहीं, हाइपोनेट्रीमिया डेवलप होता है। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम की मात्रा नॉर्मल से कम होना, 135 से कम होना, और हाइपर नहीं, हाइपोकैलीमिया होता है। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किस आईवी कैन्यूला में लार्जेस्ट डायमीटर देखने को मिलता है? यस एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 16 गॉज। जैसे जैसे कैन्यूला का गॉज साइज बढ़ता है, वैसे वैसे कैन्यूला का डायमीटर या यूं कहें कैन्यूला की फ्लो रेट कम होती चली जाती है। जितना छोटा गॉज होगा उतना ही ज्यादा आप फ्लो पेशेंट तक दे सकते हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की पावर 1 डायोप्टर होगी? ऑप्शन ए अगर उसकी फोकल लेंथ 10 मीटर है तो, ऑप्शन बी अगर उसकी फोकल लेंथ 100 मीटर है तो, ऑप्शन सी अगर उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो, ऑप्शन डी अगर उसकी फोकल लेंथ 0.01 मीटर है तो। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए डायोप्टर एक यूनिट है जो कि किसी भी लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर को शो करती है। अगर आप 1 मीटर लंबाई के लेंस को लें तो उसमें जितना रिफ्रैक्शन करने की क्षमता है इसे आप 1 डायोप्टर के बराबर मानते हैं। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो ये पॉजिटिव पावर मानी जाएगी और कॉनकेव लेंस लेते हैं तो ये नेगेटिव पावर मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोनियर जेड इज प्रिस्क्राइब्ड एज अ प्रोफाइलैक्टिक मेजर फॉर अ क्लाइंट हुज स्पाउस हैज एक्टिव टीबी। व्हाट स्टेटमेंट बाय द नर्स What statement by the client indicate that there is need for further teaching? Select all that may apply. किसी पेशेंट को टीबी है और आपने इस पेशेंट के स्पाउस यानी पत्नी या पति कुछ भी मान लीजिए उसे टीबी ना हो इसके लिए पहले ही मेडिसिन INH शुरू कर दी है यानी प्रोफाइलैक्टिकली आप उसे आइसोनियाज़िड दे रहे हैं। इस क्लाइंट के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट देना ये बताता है कि अभी इसे इस पूरे डिजीज के बारे में जानकारी नहीं है, इसे और समझाने की जरूरत है। सिंपली यहां पर कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है टीबी के रिगार्डिंग, आइसोनियाज़िड मेडिसिन के रिगार्डिंग, ये आपको बताना है। सबसे पहले ऑप्शन की यदि बात की जाए तो इसमें कहता है आई प्लान टू स्टार्ट टेकिंग विटामिन B6 विद ब्रेकफास्ट। पेशेंट यदि कहता है कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन लेना शुरू कर दूं तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि अगर पेशेंट विटामिन B6 लेता है तो इससे इस पेशेंट में आइसोनियाज़िड मेडिसिन का साइड इफेक्ट जिसे आप न्यूराइटिस कहते हैं उसके डेवलपमेंट होने की संभावना घट जाएगी। अगर पेशेंट आइसोनियाज़िड मेडिसिन पर है तो उसमें न्यूराइटिस कंडीशन डेवलप हो सकती है और अगर इस न्यूराइटिस कंडीशन से बचना है तो आपको विटामिन B6 लेना चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन टू कहता है आई विल स्टिल बी टेकिंग दिस ड्रग 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। मैं इस आइसोनियाज़िड मेडिसिन को अब से लगातार 6 महीने तक लूंगी। यस बिल्कुल सही है, जब भी किसी पर्सन के अंदर प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है टीबी के लिए तो उसे कम से कम 6 या 12 महीने तक लेना जरूरी होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। ऑप्शन थ्री,
आई समटाइम्स अलाउ आर चिल्ड्रन टू स्लिप इन आर बेड एट नाइट, मैं अपने बच्चों को अपने बिस्तर में सोने के लिए अलाउ कर दूंगी। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जिन पेशेंट्स को टीबी है या सस्पेक्टेड टू टीबी है, उन्हें अपने बिस्तर बच्चों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि बच्चों में टीबी डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए बच्चों को आप अपने बेड पर नहीं सोने देंगे। ऑप्शन 3 इज रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन 4 की बात की जाए, आई नो आई ऑल्सो हैव ट्यूबरक्यूलोसिस बिकॉज द स्किन टेस्ट वॉज पॉजिटिव। अगर किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है, तो इसका ये कहीं भी मतलब नहीं होता कि पर्सन को टीबी डिजीज है। ट्यूबरक्यूलोसिस स्किन टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि पर्सन में ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया का एक्सपोजर हुआ और इसकी बॉडी ने इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार कर लिए हैं। इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि पर्सन को टीबी है। सो ऑप्शन 4 इनकरेक्ट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन की। आई विल बी स्किप द वाइन बट एंजॉइंग चीज एट माई नेबर्स पार्टी। मैं अपने पड़ोसी की पार्टी में वाइन नहीं पीऊंगी, लेकिन चीज खा सकती हूं, मैं इसे इंजॉय करूंगी। याद रखिएगा, वाइन पीना, चीज खाना, दोनों ही कंडीशंस आइसोनियाजिड मेडिसिन ले रहे पेशेंट के लिए डेंजरस है, क्योंकि वाइन और चीज दोनों के अंदर ही टायरामीन और हिस्टामीन जैसे सब्सटेंस पाए जाते हैं। इन्हें यदि आइसोनियाजिड मेडिसिन के साथ लिया जाए तो पेशेंट में हेडेक, रेडनेस ऑफ फेस यानी फ्लशिंग और अचानक ब्लड प्रेशर में कमी हो सकती है। तो आपको इस पेशेंट को वाइन और चीज के सब्सटेंस अवॉइड करने के लिए कहना है। तो ऑप्शन 3, 4 और 5 यदि क्लाइंट द्वारा कहे जाते हैं, तो हम इन्हें और समझाएंगे कि भाई आप ये गलत कह रहे हैं, ये सही नहीं है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5 को सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट कहने पर हम क्लाइंट को और ज्यादा समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जिसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन हुई है। इस पेशेंट में इस कंडीशन के होने के पीछे कौन सा कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार है, यह आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्लाइंट के फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो गई है, इसका कारण क्या है, ये आपको बताना है। फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होने को आप साल्पिंजाइटिस के रूप से नाम से जानते हैं। क्या ये सिफिलिस के कारण हो सकती है, गोनोरिया के कारण हो सकती है, हाइडेटिडी फॉर्म मोल के कारण हो सकती है, या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के कारण हो सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अगर किसी फीमेल को गोनोरियल इंफेक्शन होता है, तो ये इंफेक्शन असेंडिंग इंफेक्शन होता है, यानी कि ये वेजाइना और सर्विक्स में इंफेक्शन करने के बाद ऊपर के हिस्से में मूव करता है, यानी फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरी आदि को भी इंक्लूड करता है। तो यहां पर ऑप्शन 2 को हम सही मानेंगे। ऑप्शन 1 की बात की जाए सिफिलिस डिजीज की, तो इस डिजीज के अंदर नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है। गोनोरिया डिजीज का कॉज जो ट्रिपोनिमम पैलिडियम बैक्टीरिया है, वो ब्लड के थ्रू नर्वस सिस्टम में जाकर पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स कॉज कर सकता है, लेकिन ये कभी भी फेलोपियन ट्यूब में
इन्फ्लामेशन नहीं करवाता, साल्पिंजाइटिस कंडीशन नहीं कॉज करता। ऑप्शन थ्री के अंदर हाइड्रेटिडी फॉर्म मोल कंडीशन बताया गया है जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, इसमें फेलोपियन ट्यूब्स प्रभावित नहीं होती। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने पर कभी भी फेलोपियन ट्यूब्स प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑप्शन पैसिव इम्यूनिटी को बताता है? ऑप्शन ए मदर से बेबी में एंटीबॉडीज का ट्रांसफर, ऑप्शन बी इन्फेंट का ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए एक्सपोजर, ऑप्शन सी टॉक्सॉइड इंजेक्शन, ऑप्शन डी बीसीजी वैक्सीन टू इन्फेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मदर से बच्चे में इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी का ट्रांसमिशन पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण है। माँ के शरीर से एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए पहुंच रहे हैं। यहाँ बच्चे के शरीर द्वारा एक्टिवली कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो ये ही पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण है। इसके अलावा बचे हुए सारे ऑप्शंस एक्टिव इम्यूनिटी के उदाहरण में इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि इस सभी में बच्चे की बॉडी एक्टिवली वर्क करके इम्यूनिटी को डेवलप करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। होपफुली आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रात को 8:30 बजे के वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।